शेप्स काफी अलग अलग से। तो अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हम अपने डो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने मैदा ले लिया है, 2 कप मैदा ले लिया, 1 कप हमने डाल दिया और 1 कप हम अभी डालेंगे। तो जी हमने ये 1 कप जो है इसमें मैदा और ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया, उसके अंदर जो है हम 3 टेबल स्पून जो है हमने तेल लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और फिर 1 टीस्पून जो है हमने नमक लिया वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़े से जो है चला लेंगे। और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है हमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे हमने 1/2 कप जो है वाटर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छा तो जो है वो गूंद लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके जो है बाउल में रख देंगे और तकरीबन 1/2 घंटे तक जो है हम इसे रख देंगे, ढक के जो है इसे रख देंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपना मसाला बनाने के लिए जो है हमने चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पे कैबेज ले ली है हमने, तकरीबन 1/2 जो है कैबेज ले ली है और 1 कैरेट ले ली है और शिमला मिर्च हमने 2 ली है स्मॉल और इनको जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे जो है हमने स्पाइसेस लिए हुए हैं, जैसे गरम मसाला लिया हुआ है 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून, नमक भी 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने इन वेजिटेबल को सॉटे करने के लिए जो है तेल लिया हुआ है और केचप, जैसे आप डालना चाहें मसाले में जो स्पाइसेस खाते हैं वो मिर्चें और सोया सॉस, बहुत सारी चीज़ें मतलब वो आप अपने उस पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे टमाटो केचप लिया और मुर्गी हमने ली है यहाँ पे, इसको हमने थोड़े से नमक और गरम मसाला डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़े से जो है बॉयल कर लिया था। उसके बाद हमने इसी टुकड़ों में इस तरह जो है वो तोड़ लिया है। तो अब हम चलते हैं सॉटे करने पर। हम आपकी जो है फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे और फिर इसमें जो है तेल डाल देंगे। यहाँ हमने 2 से 3 चम्मच जो है वो तेल लिया है। अब इस स्पैचुला की मदद से जो है हिला लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें जो है अपनी कैरेट ऐड कर देते हैं। पेस्ट हल्का सा चला लेंगे और फिर कैप्सिकम कर देंगे, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे भी फिर हम थोड़ा सा चला लेंगे। और एंड में अपनी जो गोभी है, बंद गोभी, वो भी ऐड कर देंगे। जो वेजिटेबल है इनको हम चला लेंगे अच्छी तरह। और फिर इसमें हम
इसे भी मिक्स कर लेंगे चला लेंगे अच्छी तरह। इतनी मजेदार खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम जो नमक है वो भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया हमने इसमें, इसको भी चला लेंगे और साथ ही गरम मसाला जो है 1 टेबल स्पून वो भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉरी। और इसमें फिर हम अपना टमाटर केचप भी ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं फिर हमने सारी चीज़ें जो है ऐड कर दी हैं। हमने टमाटर केचप जो है वो भी 2 से 3 चम्मच जो है लिया था, अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कितना अच्छा से जो है इसका मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। तो हम इसका क्या नाम है फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा आटा में डो बनाई थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये जो हमारा जो मसाला था वो भी बिल्कुल जो है रेडी हो गया था, हमने इसको प्लेट में निकाला और ये ठंडा भी हो गया। तो अब जो है हम इसके जो है पेड़े बना देंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो है मैंने यहाँ पे जो है कुछ जो है बना के रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये डोनट में है, ये फिश में है, और ये चटाई टाइप है, ये हार्ट बना हुआ है। तो ये थोड़े से जो है आड़े टेढ़े हो गए तो माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मेरी मम्मा बनाती तो मैंने वही जो है आपके साथ भी शेयर करा। तो अब हम जो है पेड़े बनाएंगे इनके। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक पेड़ा था उसको गूंद लिया है और हमने थोड़ा चकोर से गूंदा है, अगर आपको चकोर नहीं गूंदता गोल गूंदे तो आप इसे जो है वो कट भी कर सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको बताऊँ, हम जो है पहले चटाई जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह जो है हमने इसे कट कर लेना दो तरफ से, ओके। तो अब जो है हमने इसके अपोजिट साइड जो है मसाला भरना है। आप देख सकते हैं और अब जो है हमें इसके ऊपर जो है डालना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी लगा लेंगे कि अच्छी तरह जो है चिपक जाए पेस्ट हो जाए इसमें। साइडों में हर जगह जो है पानी लगा लिएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह जो है हमने कर लेना है। उसके बाद जो साइड में आपके पास दो जो जगहें बची हैं उसमें इस तरह जो है पट्टी टाइप जो है मतलब काटना बनाना। हाँ, तो दोनों साइड जो है हम इस तरह बना कर लें।
ओके देखिए जो है कट हो गए हैं। अब इसकी जो है हम चटाई बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और किनारे किनारे पर जो है ये लगा लेंगे वाटर इस तरह। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है चटाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी चटाई जो है तैयार हो गई है। देखें कितनी प्यारी जो है लग रही है। तो इसी तरह जो है हम सारे अपने जो स्टाइल में बनाएंगे। तो अब जो है हम अपनी नेक्स्ट जो है वो फिश बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक गोल जो है पेड़ा बना लिया था, तो फिर इसको हमने बेल लिया है गोल। और ये जो है हमने छोटा इसलिए बनाया है कि आप जो इसके अंदर मसाला रहेंगे उसके ऊपर जो है रखने के लिए जो है हमने ये छोटे से बनाया है, वो भी मैं आपको आगे बताती चलती हूँ कि किस तरह का मतलब क्या है। तो इस तरह जो है हमने बीच में जो है ये फ्लिंग करनी है। ये इस तरह जो है करनी है, उसके बाद इसके ऊपर जो है ये पट्टी जो हमने बनाई थी ये लगा देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी लगवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो है पट्टी ना भी लगाएं, ये ऑप्शनल है। तो अब जो है हम यहाँ से जो है कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इसके अपोजिट साइड भी करनी है। ये वैसे जो हम बना रहे हैं मल्टी समोसा, मतलब काफ़ी सारे शेप जो बना रहे हैं इस समोसे के, तो ये जो है आप रमज़ान में जैसे आने वाले हैं सब कुछ होता है, तो इसके लिए जो है ये बेस्ट है। आप स्टोर करके 1 वीक जो है रख सकते हैं इस पर। अच्छा अब यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे हल्का सा और फिर इसे सारी गलत अभी ये वाली उठानी थी। तो ये जो है अपने इस तरह जो है ये रख लेना है, पहले ये कर लेना है और इसी तरह ये भी हम उठा लेंगे। सही अब सही है। तो अब जो है हमने इसके ऊपर फिर ये पट्टी जो है लगानी है इस तरह, और इसी तरह फिर हम सारा जो है करते रहेंगे। अच्छा लग रहा है ये।
ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अब जो है हमने यहाँ से जो है थोड़ा सा कट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है इसकी हम आइस बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम जो तीसरा स्टार बनाने वाले हैं समोसे का, तो वो है डोनट। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अपने जो है रख लेते हैं ये मसाला। तो ये जो है हमने चकोर जो है वो आटा गूंद लिया था इस तरह सही। तो अब जो है हमने मसाला भी डाल लिया, तो पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप टाइप जो है हमें काट लेना है। ये आप देख सकते हैं ये वैसे बहुत आसान है। ये देख सकते हैं इस तरह हमने साइज जो है एक कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत ही एहतियात से जो है फोल्ड कर लेना है। वाटर लगा लेंगे थोड़ा सा तरह। यहाँ पे हमने वाटर लगा लिया और साइडों में भी जो है वाटर लगा लिया। ये देखिए ये हो गया जी सही। तो अब जो है हम इसे जल्दी जल्दी जो है फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाली साइड पे आप थोड़ा सा जो है वाटर लगा लें तो अच्छा है, वरना एक फूल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह जो है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये हो गया। अब हमने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है साइडों में। आप जो है थोड़ा सा पानी लगा लें पेस्ट करने के लिए इसे अच्छी तरह। अच्छी तरह हर जगह से जो है आप इसे बंद कर लें। नीचे से भी देखें जी ये आप देख सकते हैं कि हमारा डोनट कितना अच्छा लग रहा है। तो जो चौथा है हमारा जो हमने हार्ट जो बनाया था बहुत ही इजी है। तो हमने जो है पेड़ा जो था इसको गोल शेप में हमने बेल लिया है। अब इसके अंदर जो हम फिलिंग करेंगे बीच में। तो ये आप देख सकते हैं अब जो है हमने इसे फोल्ड कर लेना है। पहले पानी लगा लेते हैं कॉर्नर्स पर। तो अब जो है हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो
इसके बाद जो है हमने ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं तो यहाँ पे जो है हमें पानी लगा लेना है थोड़ा सा, और इसके जो है बैक साइड पे मतलब पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा सा पानी लगाएंगे। सही, तो अब जो है हम इसे यूं करके फोल्ड करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से। तो जी ये हमारा जो है बन गया है एक और, ये आप देख सकते हैं कि तो प्यारा लग रहा है, ये न्यू स्टाइल्स हैं सारे तो प्यारा लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये जो है मेरी मम्मा ने जो है इसमें डाल दिए समोसे ये तेल में, तो मेरी मम्मा तो वैसे मुझे मना ही करती तेल वाले काम करने से, तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी जो है तेल जैसे काम है या चूल्हे में काम है इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है बहुत ज़्यादा, मामा से ही जो भी करवाएं। तो अब जो है ये हमारे जो है पक रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी सारे जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर एक ज़रूर बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। तो कृपया ऐसे दोस्त से तुम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।